इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चेयरमैन पीटीआई की 5 साल जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 167 के तहत चेयरमैन पीटीआई को करप्ट प्रैक्टिसेस का कसूरवार करार दिया। आर्टिकल 63(1)(h) के तहत चेयरमैन पीटीआई नाअहिल करार पाए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आर्टिकल 63(1)(h) के तहत चेयरमैन पीटीआई की नाअहिली सजा से रिहाई के बाद श्री जोशी साबिक वज़ीर आज़म को MA 45 कर्म में भी नोटिफाई कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज सदर को असम्बली तहलील करने की समरी भेज दूंगा। सोलर ट्यूबल्स के हवाले से कन्वेंशन सेंटर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़राअत के जरिए पाकिस्तान में खुशहाली आ सकती है। हुकूमत की मुद्दत पूरी होने से पहले सोलर ट्यूबल्स का मनसूबा शुरू किया। मुल्क को सस्ती बिजली की जरूरत है। 5 साल मुद्दत के इख्तिताम पर कौमी असम्बली और वफाकी काबीना का अलविदा इजलास आज तलब कर लिया गया है। कौमी असम्बली का आखिरी इजलास आज दिन 2 बजे होगा, जिसके लिए 6 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। सदर के पार्लियामेंट के इजलास से खिताब पर सीपिया की तहरीक आखिरी इजलास में भी एजेंडे पर मौजूद है। सदर के खिताब के बाद तकरीबन हर इजलास में सीपिया की तहरीक एजेंडा पर रही। तहम ऐवान की जानब से इसे मंजूर न किया गया। आज के एजेंडा पर कोई कानून साजी मौजूद नहीं। एजेंडा पर 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस भी मौजूद है। निगरान वज़ीर आज़म की तकरीरी का मामला कुर्रा केस निकलेगा, नाम सामने आ गया है। MPM पाकिस्तान की जानब से गवर्नर सिंह कामरान कैसोरी, नेशनल पार्टी की जानब से बलोचिस्तान से जस्टिस रिटायर्ड सकीन बलोच का नाम तजवीज़ किया गया है। ज़रा के मुताबिक हफीज शेख शाहिद खान अब्बासी, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम भी जेर गौर है। फवाद हसन, फवाद राउत शेख, जुल्फिकार मक्सी के नामों पर भी निगरान वज़ीर आज़म की गौर व खास किया जा रहा है। कुछ हलकों की जानब से मोहसिन नकवी का नाम भी बतौर निगरान वज़ीर आज़म से तजवीज़ किया गया है। डॉक्टर इशरतुल अहबाब का नाम भी निगरान वज़ीर आज़म की सिरे गौर है।